मनाते हैं और ईद। ज्यादा आदमी तो जाके पहुंची कर फटाफट आ जाते और है कोई किसी कम नहीं है तो हम लोग को मिले अच्छा ये सब लगा हुआ है हाँ सिर्फ वो हमें रोड पर खड़ा रही हमने कुत्ता आई है कुत्ता सब मार के भर छ एना के हम देखे छे उठलिए गोर कौन पकड़ लिए तब है ओढ़ना से यहाँ से चढ़ल चलिए ओढ़ना फाड़ लेल से हम भाग गए आठनों आदमी हमारा टोला के अंदर में काट लेते एक नंबर पंचायत में हम छे बुझलिए मेरा इसकुल में हमारा घर छे उधर वजह से शुरू एने से काटे गए फिर उन्ने से कुत्ता लौट गए तो काटलक है जो सब कोई ब्लॉक गलिए ब्लॉक से जो बल्ले मंझौल गांव में सुबह 7 बजे के करीब लगभग 2 दर्जन लोगों के ऊपर आदमखोर कुत्ता ने हमला किया जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं क्योंकि उनका उम्र ज्यादा था उम्र के हिसाब से उससे जूझ नहीं पाए इसलिए उनके ऊपर कई बार अटैक करने से 2-3 जगह उनको घायल किया मांस सहित खा गया है। जैसे ही प्रतिनिधि लोगों को वहाँ के समाज के लोगों को जानकारी हुआ वहाँ से रेफर अस्पताल मंझौल को जानकारी दी गई मगर वहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण फिर बरियारपुर PSC ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ पर जो प्राथमिक उपचार होने के बाद सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। अभी भी 1 दर्जन लोग जिनको काटा हुआ गाँव में ही वहाँ लोकल के निजी नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं मगर यह आदमपुर कुत्ता अभी काटते ही जा रहा है जिससे लोगों में काफी दहशत है और जहां तक अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को जानकारी दे दी गई है वहां के थाना प्रभारी भी काफी सतर्क होकर के सभी जगह कुत्ते की निगरानी कर रहे हैं और जो उन्होंने बताया कि जो ही कुत्ता देखा जाएगा उसको मार दिया जाएगा या उसको पकड़ लिया जाएगा। तक में अभी सदर हॉस्पिटल में 12 लोग आए हैं जिनका मैं नाम आपको बायोडाटा के साथ बता सकता हूँ और कुछ लोग गाँव में ही काट ही रहा है कुत्ता। जो लोग जख्मी थे जिनको तुरंत उपचार की जरूरत है सुई की जरूरत है तुरंत हम लेकर 12 लोग आपके सामने हैं